पैटरसन, उसको मौलाना फजल रहमान, मौलाना नहीं फजल रहमान, उसको फजल रहमान कहता है कि मुझे मौका दे दे, मैं भी वही खिदमत करूंगा जो बाकी आपकी खिदमत करते हैं। ये विकीलीक्स में था। नवाज शरीफ का बरका दत्त की किताब में है कि वो नेपाल के अंदर नरेंद्र मोदी से छुप छुप के मिल रहा था अपनी फौज से बचने के लिए। डॉन लीक्स में क्या था, हिंदुस्तान को मैसेजिंग हो रही थी कि जनाब मैं फौज के साथ, अगर फौज ये करिए तो फौज करिए, मैं नहीं कर रहा। ये सोचिए, कभी आप सोच सकते हैं कि मेरे आर्मी चीफ को, जनरल बाजवा को कोई बाहर की कुव्वत कहे कि जी ये दहशत गर्द है, और मैं चुप करके बैठा रहा हूं और वो मेरी तारीफ करे और उसको बुरा भला कहे। जनरल राहिल शरीफ को नरेंद्र मोदी दहशतगर्द कह रहा था, दहशतगर्द का चीफ, और नवाज शरीफ से दोस्ती थी और शादियों पर इन्विटेशन थी। ये इन लोगों को ये चाहते हैं। आसिफ जरदारी का बॉब वुडवर्ड की किताब के अंदर है कि उनके CIA चीफ जब उनसे कहता है, वो कोलैटरल डैमेज की बात की, कोलैटरल डैमेज का मतलब कि जब बॉम्ब गिरता है तो बेकसूर लोग मारे जाते हैं, तो उसको कहता है कि फिक्र ना करें, अगर ड्रोन अटैक में बेकसूर लोग मारे जाते हैं, मुझे नहीं फर्क पड़ता। ये पाकिस्तान का प्रेसिडेंट कह रहा है दूसरों को, जो जिसको थोड़ा सा, और किताब में वो लिखता है कि वो हैरत अंगेज हो, हैरत आती है कि ये कैसे मुल्क का सदर बात कर रहा है। इस तरह के लोग उनको पसंद है। और शहबाज शरीफ, उसकी स्टेटमेंट कि जी इमरान खान ने बड़ी गलती की, एब्सोल्युटली नॉट कह के, यानी ये जो इनके दौर में, मैं एब्सोल्युटली नॉट क्या था, मैंने सिर्फ ये बात कही कि हम अमन में आपके साथ हैं, हम जंग में आपके साथ नहीं हैं, हम किसी कॉन्फ्लिक्ट में आपके साथ, लेकिन जो भी आप अमन अफगानिस्तान में कहीं चाहते हैं, हम साथ हैं आपके। मेरी पॉलिसी आप, मैं बताऊं कि हम, मेरी, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट, यानी हम एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चाहते हैं, हमारी क्रेडिबिलिटी होती है कि हम सालिस का किरदार प्ले कर सकते हैं। वो सिर्फ तब होती है जब आप लोग समझें कि आजाद है आपकी फॉरेन पॉलिसी। जब लोग पहले से समझते हैं कि जी जिधर से हुक्म आएगा आपने वही करना है, आपको इतनी भी शर्म नहीं है कि आपके मुल्क में बमबारी कर रहा आपका दोस्त और आपके लोग मरे और आप उसको नहीं कुछ कह सकते, किसने आपकी क्या क्रेडिबिलिटी हो रही है और दुनिया ने क्या इज्जत करनी है आपने। जब हम ये वॉर ऑन टेरर में हिस्सा ले रहे थे, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से मेरा ताल्लुक बहुत है, कभी उनसे पूछे कि उनको किस जिल्लत का सामना करना पड़ा, एयरपोर्ट्स के ऊपर उनसे क्या होता था, पकड़ पकड़ के उनको डिटेन कर देते थे, आम बेकसूर लोगों को पकड़ के पाकिस्तानी को जेल में डाल देते थे बाहर की मुल्क, जबकि यहां हम उनके लिए जंग लड़ रहे हैं, बाहर पाकिस्तानी दुश्मन बने हुए हैं, कभी किसी से पूछे कि उन बेचारों से क्या, कितने पाकिस्तानियों को जेलों में डाला गया, किसी ने कोई बात की, किसी ने उनके लिए स्टैंड लिया। तो मैं जब ये फॉरन, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बात करता, मैं सिर्फ ये कहता हूं कि मेरी जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो मेरे 22 करोड़ लोग हैं, मैं उनके लिए फॉरन पॉलिसी बनाऊंगा। तो ये जो शहबाज शरीफ कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट, मैंने नहीं कहना था, क्योंकि आपका तो पावर में आने में मकसद ही कुछ और है। आपने कब पाकिस्तानियों के लिए स्टैंड लिया बताएं, कितनी दफा ये जब बमबारी हो रही थी आपके मुंह से आवाज निकली, और आप और आपके भाई साहब कभी बात कर ही नहीं सकते जब, क्योंकि आपके सारे जो अरबों रुपए सब पता है उनको किधर पड़े हुए हैं। और दूसरी चीज ये कहा कि जी ये जो डॉक्यूमेंट है ये ठीक ही नहीं है, अगर ये ठीक हो जाती तो आप हमारे साथ आ जाते। तो आज नेशनल सिक्योरिटी पार्लियामेंट की कमेटी के अंदर जब रखी गई, क्यों नहीं आपने आके देखी, हमने ये डॉक्यूमेंट, पहले लोगों ने कहा कि नहीं जी ये ठीक नहीं है, मजाक उड़ाया गया जी, जाली है, पहले मैंने कैबिनेट में रखी, सारी कैबिनेट को बताया गया, मिनट्स कैबिनेट्स के बने, क्योंकि सबसे टॉप फोरम पाकिस्तान का वो है। उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग की मैंने, सारे अपने सर्विस चीफ सबके सामने रखी वो डॉक्यूमेंट, उसके बाद ये पार्लियामेंट की कमेटी के अंदर लेके गया और सीनियर जर्नलिस्ट को हमने बताया, सिर्फ ये कहने के लिए कि ये कोई डॉक्यूमेंट कोई पब्लिक को यानी उकसाने की बात नहीं है, ये इतनी, ये जो मैंने आपको बताया इससे ज़्यादा ये खौफनाक इसमें चीज़ें इस डॉक्यूमेंट के अंदर। मैं अब आखिरी बात पे आने लगा हूँ और वो ये है,
कि हमारी अब संडे को वोट दी जाएगी। इस संडे को इस मुल्क का फैसला होने लगा कि ये मुल्क किस तरफ अब जाएगा, क्या वही गुलामाना पॉलिसी करप्ट लोग जिनके ऊपर 30-30 साल से करप्शन के केसेस हैं, नैब में इनके केसेस पड़े हैं, बदकिस्मती से कोई और मुल्क होता जिसके अंदर ये इंसाफ का निज़ाम ज़्यादा ताकतवर को कानून के नीचे लाने जिनकी सलाहियत है, और जो भी खुशहाल मुल्क हैं दुनिया में, जो भी जिधर मुल्क में जिन मुल्कों के अंदर गुर्बत नहीं है, खुशहाली है, जो प्रोग्रेस कर चुके हैं, तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, उन सारे मुल्कों की एक चीज़ आपको कॉमन मिलेगी कि ताकतवर मुजरिम को उनकी सलाहियत होती है कानून के नीचे लाने की। हमारा अभी तक इंसाफ के निज़ाम में वो सलाहियत नहीं है। ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि अरबों रुपए के इनके पास केसेस हैं, कुछ नहीं हो रहा। तो क्या कौम इनको फिर जो 30 साल से कह रहे हैं, अच्छा कह रहे हैं जी इमरान खान ने मुल्क बड़ा ख़राब, आज क्यों ये सारा कर रहे हैं ड्रामा, इमरान खान ने मुल्क ख़राब कर दिया। इमरान खान तो अभी 3.5 साल हुए, 30 साल से तो आप बारियां ले रहे हैं इस मुल्क के ऊपर। तो ये अगर मुल्क ख़राब था, ये अगर हालात बुरे थे, तो ये क्या 3.5 साल में हो गए हैं? और मैं चैलेंज करता हूं कि 3.5 साल में जो हमने किया है किसी भी फोरम, इंडिपेंडेंट माहिरीन को आप बैठाए उनसे पूछे, मैं चैलेंज करता हूं कि 3.5 साल में जो पाकिस्तान में हुआ है कि इनके किसी दौर में नहीं हुआ। तो ये जो अब सारे इकट्ठे हैं, ये अब कौम ने फैसला करना है कि क्या ये जो वोट होनी है संडे को, इसमें कौन किधर जाएगा। मुझे लोगों ने, किसी ने कहा जी वो इमरान खान आप रिज़ाइन कर दें, मैं रिज़ाइन कर दूं? मैं जो मेरे साथ क्रिकेट खेलते थे वो सारी दुनिया 20 साल जो मैं खेली है, आखिरी गेंद तक मैं मुकाबला करता हूं। मैं कभी हार जिंदगी में नहीं मानी। मैं तो वोट का जो भी रिजल्ट हो जाए, आप देखेंगे कि मैं तो उसके बाद और ज़्यादा तकड़ा होकर सामने आऊँगा जो भी रिज़ल्ट हो। लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ उस दिन, ये मैं चाहता हूँ मेरी सारी कौम देखे कि कौन जाके अपने ज़मीर का सौदा करेगा वहाँ। अगर कोई ये किसी को कहने की कोशिश कर रहा है ना कि जी हमें एकदम पता चला कि इमरान खान तो ये तो बहुत ही नाहल या बुरा था, आपको रिज़ाइन करना चाहिए था। हम जमहूरियत के अंदर लोग रिज़ाइन करते हैं, लोग तब नहीं करते कि जब आप देखें कि 20-25 करोड़ पे आपको ऑफर हो रहा है और आप चले जाए, और वो पैसा जो पहली चोरी का पैसा जिसे ख़रीदा जा रहा है लोगों को, सारी कौम के सामने ये हो रहा है। वो जगह बनी हुई है जिधर मैरियट के अंदर या सिंध हाउस के अंदर ये तमाशा चल रहा है सारी कौम के सामने। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे नौजवानों को हम आज क्या सबक दे रहे हैं, हम क्या उनको बता रहे हैं कि ये हमारे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है उनकी कीमतें लगी हुई हैं, ये सारी कौम के सामने हो रहा है, ये कुछ छुपी बात नहीं है। आप उल्टा भी लटक जाएं, कोई ये नहीं मानेगा कि इन 3 लोगों के पास कोई इसलिए जा रहा है कि इनसे ये तो बड़े कोई नजरियाती लोग हैं, कोई नहीं मानने लगा कि या आसिफ जरदारी या शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ या फजल रहमान ये कोई नजरियाती लोग हैं, सब इनको जानते हैं। सिर्फ इन्होंने जो अपने खिलाफ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं वो 20 साल जरा देख लें तो आप समझ जाएंगे कि ये कोई